साथ आई नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। विधायक कार्यालय झाबुआ पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया ने केंद्रीय मध्य प्रदेश राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है, वहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कमलनाथ सरकार में जहां बेरोजगारी की दर 4.1% थी, तो वहीं शिवराज सरकार में बढ़कर 8.1% हो गई है। घोटालों में लिप्त सरकार नए नए कारनामों को अंजाम दे रही है। व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले डॉक्टर आनंद राय को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। वहीं पुलिस भर्ती में भी व्यापक घोटाले सामने आए हैं, जिन्हें सुबह पास किया और शाम को फेल कर दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल खेला जा रहा है। जिले की सामग्री घोटाले को भी लीपापोती कर दबाया जा रहा है और जो भी बहुत कुछ आरोप लगाए स्थानीय विधायक ने देखे। पूरी खबर झाबुआ से अर्जुन टामोर की रिपोर्ट। व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है व्यापम के माध्यम से, घोटाले के माध्यम से, पुलिस परीक्षा में आप देखें सारा पैसा उन्होंने सब पास हो गए। पुलिस परीक्षा हुई थी, पास हो गए, उनको बता दिया तुम पास हो गए और शाम को फेल हो गए। जो फेल होने वालों को पास बता दिया पैसे लेके और जो पास हुआ उसको फेल कर दिया, तो कैसे नौजवानों को अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा होगा? वो बोले पास होने वालों को उन्होंने फेल कर दिए और आप पूरी तरह से लोग आज परेशान है नौजवान। तो ये अपने भारतीय जनता पार्टी ने आज लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। और मोदी जी ने कहा था न खाऊं न खाना दूंगा, न खाऊंगा न खाना दूंगा। आ वो तो इतना मोदी जी खा रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल पूरा भरपेट खा रहे हैं और उनके नीचे नुमाइंदे जो जेब कतरे वो भी जम के खा रहे हैं। तो मोदी जी आप ऐसी बात करते हो कि मैं न खाऊंगा न खाना दूंगा। अरे तो तू तो ऊपर तुम्हारी पूरी सरकार खा रही है, पर वो नीचे जो खा रहे हैं उनको भी रोको, नहीं तो गरीब आदमी बेचारे मारे मारे फिर रहे। ये मोदी जी का न खाऊंगा न खाना देने वाला का नारा आप फ्लॉप हो गया, आप उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पर झाबुआ में लोकेंद्र कटकानी का बताया गया है, जिसमें झाबुआ निवासी बताया गया है। लोकेंद्र कटकानी झाबुआ में है ही नहीं, वो फरमनी है और उसमें न तो कहीं उसके ब्लैक लिस्टेड किया गया उसका ना मालिक को न उसको माना। और ये एक सुरंगमा लैंड संघ अंचल कटकानी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, नहीं हुई। खास वो है उसने सारा ये मतलब खेल करके और सब ये कटकानी अंचल है वो भाजपा खास है उसके ऊपर एफआईआर नहीं की जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं तो आज जिसको अपराधी है उसको छोड़ रहे हैं, निर्दोष लोगों को मतलब ढूंढने की बात कर रहे हैं, फंसाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इसलिए हमारी मांग है एसपी से कलेक्टर से सूरजमल एंड सन्स का अंचल कटकानी पर एफआईआर दर्ज हो और उसको पकड़ के पूछा जाए कि किस तरह से उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया। और उसको देखने के बाद नहीं, जिनको पकड़ रखे उनसे पूछताछ ही नहीं हो रही है। तो ये मेरे सरकार